चारबाग मेट्रो स्टेशन से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए तैयार। मेट्रो 2 नंबर प्लेटफॉर्म ये 1 नंबर मुंशी पुलिया की तरफ जाने के लिए इंदिरा नगर भूतनाथ मार्केट बादशाह नगर लेखराज मार्केट विश्वविद्यालय अभी 10:38 ट्रेन चली गई। उसके बाद भी अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, देखिए ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है, ये गैप नहीं होना चाहिए। गैप का मतलब है कि कहीं जो है चारबाग स्टेशन अभी सिग्नल नहीं है, थोड़ी देर बाद सिग्नल होगा। ये सीनिक व्यू चारबाग मेट्रो स्टेशन से नीचे बिल्डिंग सीनिक व्यू थी। देखिए उसी प्लेटफॉर्म में उतरने के लिए दूसरी फ्लाइट ये है। अब सिग्नल हो गया, देखिए हरा सिग्नल हो चुका है, ट्रेन थोड़ी देर में आएगी। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो कि लास्ट स्टॉपेज है मेट्रो का, अनाउंसमेंट होने को है। सवारियां धीरे धीरे आती हुई, कुल मिला के देखा जाए तो मेट्रो की रीच अभी बहुत अच्छी नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह यूनिवर्सल कार्ड इसका एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए तो शायद ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि तब लोगों को जगह जगह मेट्रो कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी 200 रुपये में जो कार्ड बनवाते समय पैसा लगता है उसमें 100 रुपये आपका रिचार्ज मिलता है आपको, और 100 रुपये आपको जो है जब आप कार्ड रिटर्न करते हैं तो रिफ़ंड हो जाता है। ये सीनिक व्यू चारबाग रेलवे स्टेशन, इधर लखनऊ जंक्शन दाहिनी तरफ, सिग्नल दोनों टाइप तरफ के हो चुके हैं। जैसे 3 मिनट हमें हो चुके हैं यहाँ आए हुए, संभवतः आने ही वाली है, अनाउंस होने वाला है शायद। इधर भी ग्रीन सिग्नल है, इधर भी दोनों तरफ सीनिक ड्यूटी मेट्रो स्टेशन। वेटिंग टाइम 3 मिनट हो चुका है। वैसे नॉर्मली मैंने ये देखा है कि पहुंचने के तुरंत बाद ही ट्रेन मेट्रो आ जाती कोई ना कोई, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना समय लगा है। सीनिक ब्यूटी प्लेटफॉर्म और ये 2 लाइन्स, एक ये है देखिए, दूसरी इधर है। ऐसे समय लगा दिया इसने आने में, 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ लिखा हुआ मुंशी पुलिया की ओर, तो मुंशी पुलिया 1 नंबर प्लेटफॉर्म। देखिए आ गई मेट्रो, सीनिक ड्यूटी
एंट्री